चलाक हो तुम साक्षी गोयनका, जरा देखो तो तुम इतने ध्यान से क्या देख रही थी मेरे फोन पे? ओह नो, रहमा का मैसेज। ओह बच गए, सिर्फ जो फोन किया है। सागरिका, कम होम अर्ली, लव डेड। मुझे बचा लो प्लीज, भगवान के लिए मुझे बचा लो। ए रुक, जाती कहाँ है? भागना मौत, पास आ जा मेरे, वरना तेरे हाथ पार तोड़ दूंगा। घरे चल, बीबी है तू मेरी। मैं तेरी बीबी हूँ? तो वो कौन है? दूसरी औरत जिसके साथ तू रहता है? गर्लफ्रेंड है मेरी, वो रहेगी मेरे साथ हमेशा, क्या समझी? चल तू घर चल। ठीक है, घर तो आएगी ना तू? हाँ, फिर बताता हूँ तुझे। दीदी अब बहुत अच्छी हो। दीदी आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपका सारा काम करूंगी। आपने उसको बहुत अच्छा सबक सिखाया है। नहीं उठ, देख अब तो पीछे मत हटना और उसे अपने पे हाथ मत उठाने देना, समझी? और मैंने कुछ नहीं किया, सबक तो तूने मुझे सिखाया है। पीछे तो मैं हटने वाली थी, मेरे पति जैसे एक इंसान को जाने देने वाली थी, लेकिन अब नहीं। थैंक यू। क्या सर, आपने उसे तो कुछ बोला ही नहीं, कितना जोर से लाफा मारा उसने मुझे। मानता हूं इसलिए सॉरी कह, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा भी तो पे करना। थैंक यू सर। बाप रे, क्या लड़की थी, एक्शन स्टार। बस अब ये मनाओ कि वो सुपरस्टार बन जाए। वैसे कितनी अजीब सी बात है, किसी को मालूम ही नहीं चला कि हम शूटिंग कर रहे थे। पर एक बात बताओ कि कैमरास कहाँ लगे थे? आप एक्चुअली एक कैमरा नहीं था, कई कैमरास थे छिपे हुए थे। डायरेक्टर थोड़ा संकी टाइप का है, उसे एक रियल शॉट चाहिए था। और आपने भी कमाल का काम किया, पता नहीं चला कि आप एक सताई हुई औरत नहीं। गुड जॉब सर, आपके डायरेक्टर के रियल के चक्कर में मैं एक पीटा हुआ हस्बैंड बन गया। थैंक यू। थैंक यू सर। सर किचू हो तो बताइएगा। हाँ आकाश, काम हुआ? दुर्गा प्लान परफेक्ट था, सागरिका के ऊपर पूरा इफेक्ट हुआ है। गुड जॉब आकाश, गुड जॉब। आज हमारी 25वीं सालगिरह है और तुम देखो एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे हो जैसे कोई चल बसा। बस आज रात के बाद देखना मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। सागरी बेटा आ गए तुम, अच्छा है। आज शाम को अच्छे से तैयार होना, मैं चाहता हूं आज रात को मेरे जीवन की सबसे दो इंपॉर्टेंट लेडीज एकदम अप्सरा लगे। हाँ तुमने अपने सब दोस्तों को इनवाइट कर लिया बेटा? मेरी तो सिर्फ एक ही फ्रेंड है, मुझे उसे ही बुलाना था। कौन है वो? नंदिनी। तो इनवाइट किया उसको? मैंने बुलाया ही नहीं। क्यों? मुझे लगा आपने बुलाया होगा। अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे क्यों बुलाऊंगा? हाँ मेरी फ्रेंड तो है, पर वो आपकी मिस्ट्रेस भी तो है।
उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे इनवाइट भी तो कर ही सकते हैं। क्या बोल रहे हो तुम ये? आपको प्रूफ चाहिए? ठीक है, तो रूम नंबर 203 पलाश होटल, 2 घंटे की बुकिंग। मुझे धक्का देगी, मुझे छोड़िए। सोनाली, एक तुम ही हो जिससे मैंने अपनी सारी उम्मीदें बांध रखी। आई जस्ट होप कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो। आज से तुम मेरा नाम बदलकर खुशी कर दो, क्योंकि रेप केस के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से मिल रहे हैं हमें 1 घंटे में। रियली? हाँ, आरटीआई रिक्वेस्ट इतनी जल्दी मिल रही है? अब क्या करें, तुम्हें लॉयर ही ऐसे मिली है। अच्छा मुझे बताओ मैं कहाँ मिलूँ तुमसे? मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, केस के डॉक्यूमेंट में से कुछ तो मिलेगा। इन्फॉर्मेशन का एक भी टुकड़ा मिला तो मैं तुम्हारे एक कदम और पास आ जाऊंगा नित्या। अगर आप उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे इनवाइट भी तो कर ही सकते हैं। बस बाबा, अब मैं और ये नहीं कर सकती। अपना बदला पूरा करने के लिए मैं दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। गांगुली को सबक सिखाने के लिए मैं उसकी बेटी, उसकी पत्नी और नंदिनी तीनों को दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं आपको पता है बाबा, जब सागरी खाने गांगुली से पूछा तो गांगुली ने अपनी बेटी पर हाथ उठाए, अपनी पत्नी को मारा। कैसे बाबा, एक बेटी के सामने उसकी मां पर हाथ उठाया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ बाबा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। नहीं बाबा, बस बाबा, बस मुझे ये सब यही खत्म करना होगा। सब कुछ रोकना होगा मुझे। बस
कैसे रोकूं ये सब कुछ बाबा, कैसे कैसे? दुर्गा बेटा, अपने आप को संभाल दो बेटा। तुम्हें इस पूरे सिचुएशन को एक नए तरीके से देखना पड़ेगा। तुम इसको ऐसे सोचो कि तुम तीन जिंदगियों को अत्याचार और जिल्लत भरी जिंदगी से बचा रही हो। नंदिनी को उस जानवर के शिकंजे से और संगीता और सागरिका को एक इज्जत भरी जिंदगी देकर। नहीं बाबा, अगर गांगुली का पर्दाफाश हो गया तो नंदिनी की नौकरी चली जाएगी, वो क्या करेगी बाबा? तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। नंदिनी को मैं नौकरी दूंगा डबल तनख्वाह पर, सारे मेडिकल बेनिफिट्स के साथ। और रही बात संगीता की, तो मुझे नहीं लगता कि वो तेरे को कोसने वाली है। आफ्टर ऑल तुमने उन्हीं की जिंदगी को नहीं बल्कि उनकी बेटी सागरिका की जिंदगी को भी बेहतर किया है। और तुझे क्या लगता है, गांगुली ने इससे पहले कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया था, या कभी वो फिर दोबारा हाथ नहीं उठाएगा? इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। हाँ, उसने अपनी बेटी पर हाथ उठाया, उस बेटी पर जिसे संगीता आज तक बचाती चली आ रही थी। बेटा, गांगुली इंसान नहीं है, बीमारी है वो। हाँ बाबा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। और इस बीमारी को कैसे उखाड़ कर फेंकना है ये मैं जानती हूं। हाँ आकाश, बोलो। दुर्गा, मुझे अभी अभी पता चला है कि किसने आरटीआई रिक्वेस्ट डाल के कोर्ट से पायल के पेपर्स मांगे हैं। वो पेपर्स उसे अभी मिलने वाले। कौन है वो आकाश? पता नहीं कौन है, लेकिन एक लड़की है। किसके लिए काम करती है वो भी नहीं पता, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो जल्दी से पता लगाओ आकाश, उसका नाम क्या है? दुर्गा, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी फोटो खींची है, मैं तुम्हारे मोबाइल पे भेज रहा हूँ, शायद तुम उसे पहचानती हो। ठीक है आकाश, मैं अभी इसी वक्त आरटीआई ऑफिस के लिए निकलती हूँ। कौन है ये लड़की और किसके लिए काम कर रही होगी? ओके ओके, मैं 10 मिनट में मिलती हूँ। टैक्सी टैक्सी, आइडियल मॉल। हेलो, हाँ देव, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, पर तुम कहाँ पर हो? हाँ हाँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ, पर तुम हो कहाँ पर? मैं यहाँ हूँ। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। I'm sorry, फाइल देना। सोनाली, इधर आओ। सकता है इनको रेप केस की
सारी इंफॉर्मेशन। ये कौन हो सकता है आखिर? एक्सक्यूज मी, देखो राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू सारे डिटेल्स तो मिल गए हमें, कोर्ट ऑर्डर, टेस्टिमनी वगैरह, एफआईआर रिपोर्ट से लेके फाइनल जजमेंट ऑफ केस तक, सब इसमें। ओ गॉड, रास्ता दीजिए मुझे। एक्सक्यूज मी, जाने दीजिए मुझे। रास्ता दीजिए मुझे प्लीज। हटिए प्लीज, हटिए।